देखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। विश्व महिला दिवस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बने न्यूज 11 भारत पर विशिष्ट अतिथि संपादक का आधी आबादी की स्थिति पहले से हुई है बेहतर, नारी अबला नहीं। विधानसभा के कक्ष में महिला विधायकों को सीएम ने किया सम्मानित, घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एमजीएम पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, बच्ची को जन्म देने वाले माता पिता को उपहार देकर किया सम्मानित। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में 6 टुकड़ों में मिला महिला का शव, पुत्र का आरोप डायन बताकर मां को उतारा गया मौत के घाट, 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जमशेदपुर के गोलबोरी में प्रताड़ना से तंग महिला ने हारी जिंदगी की जंग, 8 माह के दूध में बच्चे के सामने की फांसी लगाकर खुदकुशी। और जमशेदपुर एमजीएम के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने बकाया भुगतान को लेकर शुरू की हड़ताल, ओपीडी सेवा ठप, परेशानी में मरीज। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झारखंड के अलग अलग हिस्से से अलग अलग तस्वीरें आई हमारे पास। कई महिलाओं को सम्मान दिया गया तो कई महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करते दिखी। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पलामू से जहां रसोईया संघ ने प्रदर्शन किया, दूसरी तस्वीर सरायकेला से जहां सुवर्णरेखा परियोजना में कार्यरत महिलाओं ने हिस्सा लिया एक कार्यक्रम में, तीसरी तस्वीर है पोटका के जहां पर्यावरण चेतना केंद्र में महिला दिवस मनाया गया, चौथी तस्वीर चाईबासा के नर्सिंग कॉलेज की, पांचवी तस्वीर पाकुड़ की जहां महिलाओं का वैक्सीनेशन हुआ और छठी तस्वीर है गुमला के हाईस्कूल मैदान के जहां पर महिला दिवस समारोह मनाया गया। तो अलग अलग रंग अलग अलग हिस्सों से, लेकिन बहरहाल हम आपको 6 तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और राज्य के तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें हमारे पास पहुंची। कई महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई, संघर्ष किया, अधिकारों के लिए लड़ी, तो कहीं पर उन्हें सम्मानित किया गया और कई तरह के कार्यक्रम उनके सम्मान में किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एमजीएम पहुंचे और वहां पर 2 लड़कियों के जन्म लेने पर माता पिता को उपहार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने महिला दिवस के मौके पर कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की, साथ ही इसमें हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। इस दौरान मंत्री ने मौजूद सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रसूताओं और गर्भवतियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का निर्देश भी दिया। इस क्योंकि हमारे धर्म में भी कहा है नारी पूज्यन्ते, इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए, बच्चियों का सम्मान होना चाहिए, भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए, दहेज उन्मूलन होना चाहिए। इसी के लिए मैं आज 8 तारीख को इनको बधाई देने आया। हम सब मिलकर इस क्योंकि हमारे धर्म में भी कहा है नारी पूज्यन्ते, इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए, बच्चियों का सम्मान होना चाहिए, भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए, दहेज उन्मूलन होना चाहिए। इसी के डायन प्रथा के खिलाफ सालों संघर्षरत पद्मश्री छुटनी महतो को जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में सम्मानित किया गया। सम्मान सभीभूत छुटनी महतो ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना अभियान जोर शोर से जारी रखने का ऐलान भी किया। उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी अन्य अमृता ने।
राष्ट्रीय महिला दिवस पर छुटनी मैं तो हमारे साथ हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी का पल कुछ नहीं हो सकता। पद्मश्री छुटनी महतो से बात करते हैं, कुछ दिनों पहले भी हमने उनसे बात की थी और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि फिर उनसे हम बात करें। छुटनी जी, आप पद्मश्री हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप एक मिसाल हैं लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगी? हम आज महिला दिवस के लिए जो हमको बहुत खुश लगा जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमको सो मैडम लोग सब बुलाया है और इतना सब 80-85 से हमको मुठी भेंट भी हुआ, हमको बहुत खुश लगा। पद्मश्री छुटनी माँ तो अब हो गए हैं, अब हम बैठ के नहीं रहेंगे, पद्मश्री हमको मिलेगा। ऐलान हुआ सर, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया तो आज ना कल मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद हम जैसे काम कर रहे थे उससे अगर हम और जोर से काम करेंगे और करते रहेंगे। 126 महिलाओं को उनके घर पे पहुंचा दिया, जब वो फोन करती हैं आपको कैसा महसूस होता है कि बताती है कि नहीं अब वो ठीक से कर? हाँ नहीं, अब जो अभी फोन करते हैं वो लोग बोलता है, अभी कोई नहीं कहता, कोई अगर पूछ पाछ तालाब में चापाकल में अगर बोल देता तो बोलता कि आप लोग क्या बुटुल बुटुल कर रहे हैं, छुटनी मैम को फोन करे तो बोला ना बाबा हम आपको नहीं बोले, बकरी को बोले हैं, तब आदमी का मैंने हमारा नाम सुनने से सब कोई हड़क जा रहा है। पढ़े लिखे लोग भी डायन को मानते हैं, ये बहुत दुख लगता है, आपने बार बार इस बात को कहा है कि पढ़ लिख के भी लोग ऐसा करते हैं। ऐसे करता है क्या, उसके परिवार में जो कहेगा वही लोग सुनेगा, जब गार्जियन है, गार्जियन का मैं खाना खान पान कर रहा है, अगर गार्जियन जो कहेगा वही कहता है वो लोग, तो हमको खराब लगता है। अनपढ़ तो कहता है, पढ़ा लिखा जैसे 6-7 साल पहले चाईबासा में एक सेमिनार था, सेमिनार में चाईबासा का एक वीडियो ने कहा डाइन तो होता ही है, इसीलिए मेरा माँ ने बोला कि बेटा तुम सावधान से जाना और सावधान से आना। पढ़े लिखे लोग भी डायन को मानते हैं, ये बहुत दुख लगता है, आपने बार बार इस बात को कहा है कि पढ़ लिख के भी लोग ऐसा करते हैं। ऐसे करता है क्या, उसके परिवार में जो कहेगा वही लोग सुनेगा, जब गार्जियन है, गार्जियन का मैं खाना खान पान कर रहा है, अगर गार्जियन जो कहेगा वही कहता है वो लोग, तो हमको खराब लगता है। अनपढ़ तो कहता है, पढ़ा लिखा जैसे 6-7 साल पहले चाईबासा में एक सेमिनार था, सेमिनार में चाईबासा का एक वीडियो ने कहा डाइन तो होता ही है, इसीलिए मेरा माँ ने बोला कि बेटा तुम सावधान से जाना और सावधान से आना, हाँ जो कहेगा बेटा वैसे ही सुनेगा। पढ़ा लिखा का भी गलती नहीं है, माँ का भी बात तो नहीं रखेगा तो पढ़ाया बेटा को लिखा है, आज माँ का बात नहीं ले रहा, ऐसे करके उसको मजबूरी में बोलना पड़ता। ये छुटनी महतो है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो काम करके दिखाया जो पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ रहे हैं और छुटनी महतो ने अकेले अपने बलबूते पर 126 महिलाओं की जिंदगी बदल डाली और डायन प्रथा के खिलाफ वो सालों से काम कर रही हैं और पद्मश्री मिलने के बाद अब और जोर शोर से और बड़े उत्साह के साथ काम करेंगी, ये उन्होंने आज ऐलान किया है। कैमरामैन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज 11 जमशेदपुर। जिला स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चकदरपुर ओवरऑल चैंपियन बना है, वहीं मनोहरपुर रनरअप रहा। मंत्री जोबा मांझी ने वहां पहुंचकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त पश्चिमी सिंहभूम एथलेटिक्स संघ के बैनर तली पश्चिमी सिंहभूम जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का समापन हुआ। चैंपियनशिप में चकदरपुर की टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता जबकि मनोहरपुर की टीम रनरअप रही। व्यक्तिगत पदक प्रशस्ति पत्र के साथ अतिथियों ने ओवरऑल चैंपियन और रनरअप टीम को ट्रॉफी प्रदान किया। कोई चीज का कमी नहीं है, यहाँ खिलाड़ियों का भी कमी नहीं है, यहाँ शारीरिक मानसिक जो मजबूत है उससे भी कमी नहीं है। हर क्षेत्र में हर जगह आपकी जरूरत है, आपकी वहाँ तक आपको पहुँचना है। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्मेंद्र हांसदा, अजय नायक और गोयल किरा के कुंदन गोप की मिसाल देते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसा धर्मेंद्र जी है, यहाँ अजय जी है और हमारे गोयल किरा के कुंदन जी जैसा बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल से, आप एक ही नहीं होता है, अभी जैसा कह रहे था आर्चरी का यहाँ बहुत बड़ा क्या बोलते हैं संभावना है। जैसा चकदरपुर में सूचना मिलते ही सहर्ष यह ग्राउंड जो कि हाई स्कूल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है उपलब्ध कराया तथा इस प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी निभाई।
मैं सिरसा चक्रपुर के अध्यक्ष के तौर पर आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में भी आपको जो भी खेल प्रतियोगिताएं या उससे संबंधित जो भी सहायता चाहिए आप हमारे खेल पदाधिकारी श्री मनीष कुमार पाठक जी से कॉन्टेक्ट में रहें। समापन समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM विजय कुमार साहू और सीनियर DCM मनीष कुमार पाठक भी शामिल हुए। DRM ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे कृत संकल्पित है, किसी भी तरह के खेल के आयोजन में सहयोग के लिए सदा तत्पर है। खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएं और क्षेत्र का नाम रोशन करें। DRM ने प्रतियोगिता की ओवरऑल चैंपियन चक्रधरपुर की टीम को 11,000 रूपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की और कहा कि ऐसे खिलाड़ियों और कहा कि खिलाड़ी ऐसे आगे बढ़ते रहें और क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो जमशेदपुर MGM अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट से जुड़े डॉक्टरों ने पिछले 2016 से बकाया एरियर की मांग को लेकर OPD सेवा को ठप कर दिया और हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी बकाया का भुगतान करने की मांग कई बार की गई, इस दिशा में ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। डॉक्टरों की हड़ताल पर चले जाने से ओपीडी के मरीजों को काफी परेशानी हुई। हमारा जैसा कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं, एरियर भुगतान 700 वेतनमान का 2016 से 2019 तक का हमें नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोग लगातार पत्र व्यवहार व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य सचिव जी से, रिम्स के डायरेक्टर जी से और GB मीटिंग में भी अपने आवाज उठा चुके हैं, जिसके बाद भी हमारी कोई अभी तक की हमको कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। मजबूरन एक हफ्ते से हम लोग काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है, इमरजेंसी सेवा अभी बाधित नहीं है। तो जमशेदपुर में साक्ची स्थित जंगली मार्केट का विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दैनिक हरी सब्जी विक्रेता संघ ने इस आंदोलन को गलत बताते हुए विरोध जताया, इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया पर गंदी राजनीति करने का भी आरोप लगाया गया है। जो दुकान वहां पे लगाते आ रहे हैं, दुलाल भुइया के द्वारा जो गलत आरोप लगाया जा रहा है हम लोग के बाजार समिति के ऊपर, उसका जांच कर लिया जाए कि दुलाल भुइया का भी जो राजनीति जमीन इसका हुआ है उनको पूर्ण विराम दें। 250 से 300 दुकानदार हैं और वो जो रैली निकालते हैं वो सब भुइया डी छाया नगर के लोगों को लेकर के अपना रैली निकालते हैं ये दुकानदार, जबकि ऐसा उसमें एक भी हम लोगों का कोई दुकानदार शामिल नहीं है। 40 वर्षों से जो दुकान वहाँ पे लगाते आ रहे हैं दुलाल भुइया के। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित टीचर्स कॉलोनी में 3 घरों में चोर ने सेंधमारी की। खिड़की के पास सोए हुए राहुल गुप्ता के गले में रखा सोने के चेन को काटकर वो ले गए। इसके अलावा 2 मोबाइल की भी चोरी कर ली। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। पुलिस CCTV के आधार पर पहचान करने में जुटी है कि आखिर ये चोर कौन है। वही कुछ दिन पहले रिटायर्ड दरोगा शैलेंद्र सिंह के घर में भी लाखों रुपए के गहने की चोरी की गई थी। सो गया ला 7-8 केस हो गया सर। हाँ, एक हमारे कॉलोनी में जो है बड़े बाबू थे, उनका घर में हुआ, उनका छत में पूरा लेके जेवर वो सब लेके गया, छत में पूरा सूटकेस खोल के पूरा जेवर निकाल के सूटकेस वोट छोड़ के गया है ना। और बगल में पीछे में 2-4 केस हुआ है। आज तो मेरे घर में हुआ है, एक बगल में हुआ है, एक गाड़ी का बैटरी ले गए। पुलिस आई थी CCTV। हाँ, पुलिस आई थी CCTV में देखें तो देख के गए हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं। विश्व महिला दिवस के मौके पर जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली। इस दौरान छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े नारे भी लगा। महिलाओं का कहना था कि उन्हें सुरक्षा मिलने चाहिए हर हाल में, और आखिर क्यों उन पर पाबंदियां हो, क्यों नहीं समाज ठीक से रहे और समाज में जो लोग हैं वो ठीक से रहें। जमशेदपुर के बिरसा नगर में प्रशासन की पूरी मुस्तैदी के बाद आवासीय कॉलोनी का निर्माण शुरू हुआ। ये कॉलोनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा है। जिस जमीन पर इस आवास को बनना है वो विवादित था। प्रशासन ने जब जब आवास बनाने की कोशिश की हर बार विवाद होता रहा। अंत में प्रशासन ने पुलिस फोर्स की तैनाती की और काम शुरू कराया। इस कॉलोनी में 10,000 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें सारी नागरिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी।
ये यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जमीन चिन्हित किया गया है जो पूरा प्योर गवर्नमेंट लैंड है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है थाना स्तर से पेट्रोलिंग पार्टी PCR और स्वयं हम उपस्थित होकर देख रहे हैं। ऐसा ही हमें तो कोई वारदात नहीं है, लोगों के द्वारा बताया गया, लेकिन उनको बताया गया कि अगर आपके पास कोई कागज़ हो तो आप प्रस्तुत करें DC साहब के पास, तो उसके कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन यह वस्तुतः सरकार की जमीन है, यहाँ पे किसी तरह की अगर विधि व्यवस्था समस्या हो तो थाना स्तर से निपटने के लिए तैयार। तो जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा सूर्य मंदिर का मामला अब गहराने लगा है। जिला प्रशासन ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए 9 सदस्यों वाली टीम का गठन कर दिया है। टीम ने सूर्य मंदिर परिसर का दौरा भी किया। टीम ने दोनों पक्षों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है। इस संबंध में उपायुक्त ने पहले ही दोनों पक्षों से पहले ही कागजात की मांग कर ली है। 20 साल तक इस मंदिर पर अकबर का कब्जा रहा, प्रशासन उन 20 सालों का लेखा जोखा लेगी। आज केवल स्थल जैसे देखने के लिए आए थे, स्थल हम लोगों ने देख लिए, कहाँ क्या होता नहीं होता, कहाँ मंदिर है कहाँ क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद की अलग से हम लोग कार्रवाई करेंगे। पिछले 3 दिनों से जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत खास महल सदर अस्पताल के पीछे सरकारी लीज जमीन पर भूमाफियाओं के इशारे पर स्थानीय ग्रामीणों की ओर से धड़ल्ले से कब्जा किया जा रहा था। बड़े पैमाने पर कब्जा होता देख अंचलाधिकारी ने स्वयं उस स्थान पर मोर्चा खोलते हुए माइक के जरिए लोगों को जागरूक किया कि जिस जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है वो सरकारी जमीन है। वही परसुडी पुलिस ने भी अतिक्रमण कर रहे लोगों को उस स्थान से खदेड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्थानीय राजनेताओं के इशारे पर ग्रामीण गलतफहमी के शिकार हो गए और सरकारी भूमि को अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ऐसा काम करते नजर आएंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जाएगा और खाली करने के लिए जगह को नोटिस भी दिया जाएगा। जिसको मैंने खुद सर्वेक्षण करके आया हूँ, करीब 100 महिला के द्वारा वहाँ पर रस्सी बांध बांध करके अपना सीमा का निर्धारण किया गया है। लेकिन आज चूंकि महिला दिवस है इसलिए आज हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कल कार्रवाई करेंगे। कोई चेक रहा है तो हम लोग सब कोई चेक रहा है, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा चेकेंगे बोल के, तब देखा जाएगा कार्रवाई हो जाएगा। तो सबका ऊपर में होगा, मेरा ऊपर में नहीं, सब जितना है सबका ऊपर में होगा। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और अब बात करें संथाल की खबरों की। जो एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकुड़ से ऐसी खबर निकल कर आई जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या महिलाएं आज के दिन भी सुरक्षित नहीं है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में एक महिला की निर्मम हत्या का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला का शव 6 टुकड़ों में बरामद किया। मृतक के पुत्र मनोज हांसदा ने गांव के कई लोगों पर हत्या की आशंका जाहिर की। मनोज हांसदा के मुताबिक उसकी मां को डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता था। फिलहाल इस पूरे मामले में SDPO के निर्देश पर SIT टीम का गठन कर मामले की जांच तेज कर दी गई है और तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। 10 वर्षीय महिला है जिसका नाम सोना मरंडी है, इसको डायन के शक में इसको हत्या करके ये नदी में, बसलोई नदी में, ग्राम रंगा के पास इसको बालू में 3-4 दिन पहले गाड़ दिया। इसको बेरहमी से पिटा गया है, पहले डाइन कह के 7-8 आदमी, नाम आ जाएगा, अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। और इसको हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सर काट दिया, धड़ काट दिया, अपने कुटिया कुटिया के इसको गाड़ दिया है। 10 वर्षीय महिला है। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस ने छापेमारी कर साइबर अपराधी मुरारी चौधरी को भंडारो गांव से गिरफ्तार किया है। कोविड जांच के बाद यूपी पुलिस उसे अपने साथ ले गई। साइबर अपराधी की तलाश में यूपी पुलिस आदर्श गांव आई थी, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। बाद में भंडारो गांव से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
तो साहिबगंज में स्वच्छ एवं निर्मल गंगा और जलीय जीव पर संरक्षण पर सेमिनार का आयोजन किया गया राजमहल सिंगी दलान स्थित नगर भवन। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीओ हरिवंश पंडित, बीडीओ उदय कुमार सिन्हा, सीओ सरोजनी एनी तिर्की ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान गंगा आरती भी की गई। पदाधिकारियों ने समारोह में उपस्थित महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। आज नमामि गंगे की ओर से साहेबगंज और राजमहल दोनों ही जगहों पर गंगा के किनारे ये प्रोग्राम हुआ है। सबसे पहले 3 बजे से एक ज्ञानवर्धन प्रोग्राम था, जिसमें सब्जेक्ट था विरल गंगा और जलीय जीवों का संरक्षण। इस पर हमारे 2 एक्सपर्ट्स आए हुए थे, एक सुभाषिस डेट थे और दूसरे थे दीपक कुमार। दीपक कुमार गंगा प्रहरी थे और सुभाषिस डे डॉल्फिन पर वो रिसर्च कर रहे हैं। ये दोनों ही आए थे और हम लोगों ने ये पहला जो प्रोग्राम है सेमिनार का, जो नमामि गंगे के तहत आयोजन किया गया। खबर पलामू से, यहाँ पे लातेहार अंबा टोली के एक बच्चे की मौत हो गई है। 12 चक्का ट्रक के चपेट में आने से ये मौत हुई है। कोयला लदे ट्रक को ढलान में खड़ी कर ड्राइवर कुछ काम करने लगा। इस बीच ट्रक ढलान में लुढ़कने लगा और बच्चा उसकी चपेट में आ गया। घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। इस दौरान ट्रक ड्राइवर वहां से भाग निकला। खबर पलामू से, जहां पर 8 एकड़ में लगे पोस्ता को नष्ट किया गया है। मिटार के आपटी और पूर्णाडी में पोस्ता की खेती मनातू थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई ये कार्रवाई और यहां पर पोस्तों के फसलों को नष्ट किया गया है। पुलिस की ओर से कोशिश लगातार जारी है कि नशे की इस खेती को और नशे के जो सौदागर है उन पर नकेल कसी जा सके। और इसी कड़ी में और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।